एक्टर और बिग बॉस के मशहूर कंटेस्टेंट बिंदु दारा सिंह पर इन दिनों ऐसा दुखों का पहाड़ टूटा कि वो कुछ बोल तक नहीं पाए। जी हाँ, बिंदु दारा सिंह का हाल ऐसा है कि वो सांस तक नहीं ले पा रहे हैं। और जब उन्होंने अपना फोन देखा तब तो वो सीने पर हाथ रखकर सदमे में ही चले गए। बिंदु दारा सिंह इस वक्त बीमारी से नहीं डर रहे बल्कि लॉकडाउन की वजह से डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं। बिंदु दारा सिंह खर्चों और किराए को लेकर इस कदर सदमे में चले गए कि उन्हें फोन पर इसकी जानकारी शेयर करनी पड़ी। लोगों को बताया कि वो इस वक्त कैसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। बिंदु ने भी पैसों की तंगी और इस कारण मेंटल हेल्थ पर असर पड़ने की बात कही। एक्टर ने ट्वीट करते हुए बताया कि कैसे लॉकडाउन में हम सभी टैक्स देने और लोन चुकाने के लिए परेशान हो रहे हैं, टेंशनें बढ़ती जा रही हैं और दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है। बिंदु दारा सिंह ने ट्विटर पर लिखा, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह थकान दिख रही है। इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं जिनका जवाब भी देरी से दे पा रहा हूँ। ये सिर्फ मुझे ही मिल रहे हैं या फिर हम सभी का यही हाल है? लॉकडाउन के कारण सभी की कमाई कम हो गई है, बावजूद इसके कर्ज लौटाने और बैंक के बढ़ते ब्याज ने पूरे भारत की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। कई स्टार्स इसी दुख में घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और सदमे में पड़े हुए हैं। बिंदु के इस ट्वीट पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, कर्ज को तो माफ भी किया जा सकता है लेकिन इसके अलावा जो अतिरिक्त जुर्माना उससे लॉकडाउन में माफी मिलेगी। इस पर बिंदु ने जवाब दिया, सही कह रहे हैं आप, लेकिन जब आप फैक्ट्री या अपना बिजनेस खोल ही नहीं सकते तो आप सैलरी कैसे देंगे? किराया और ब्याज असली परेशानी है। लॉकडाउन जरूरी है लेकिन इसके साथ इंश्योरेंस भी होना चाहिए ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिले। बिंदु दारा सिंह पिछली बार बिग बॉस 14 में नजर आए थे। वो शो में राखी सावंत को सपोर्ट करते नजर आए थे। बिंदु दारा सिंह बिग बॉस 3 के विनर भी रह चुके हैं। वो सलमान खान के सबसे करीबी कंटेस्टेंट कहे जाते हैं और इनके अलावा सलमान खान के साथ वो वॉन्टेड जैसी कई फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। तो बिंदु दारा सिंह को लेकर आप भी अपनी राय जरूर दें। बिग बॉस 12 के कंटेस्टेंट सौरभ पटेल के पिता का निधन हो गया। सौरभ के पिता बीमारी से संक्रमित थे। पिता के जाने से एक्टर सदमे में है। सौरभ ने सोशल मीडिया पर कुछ फोटो शेयर किए। इन फोटोज में उनके माता पिता नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने कैप्शन में लिखा कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे, शायद वो मेरे पापा कम और दोस्त ज्यादा थे। मैं आप सभी से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कृपया अगर आप बिंदास घूम रहे हैं या आपके घर वाले कहीं जाने के लिए बोल रहे हैं तो प्लीज उन्हें मत जाने दीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। सौरभ ने आगे लिखा, ये वो टाइम है जिसमें पैसा ताकत कुछ भी काम नहीं आ रही है। मैंने अपने पापा को अपनी आंखों के सामने इस दुनिया से जाते देखा है और मेरे पास सब कुछ था। सौरभ ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर, डॉक्टर और सोर्स सब कुछ था लेकिन फिर भी मैं अपने पापा को बचा नहीं पाया। अनुरोध है कि घर पे रहें, अपनों के साथ जब ऐसा होता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है और इस वक्त मेरी दुनिया ही उजड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि आज मैंने अपने पिता को नहीं बल्कि दोस्त को खो दिया है। अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं दुनिया में कुछ भी बन जाऊं, कुछ अच्छा कर लूं, पूरी दुनिया तारीफ कर ले, पर वो खुशी नहीं मिलेगी जितना मेरे पापा खुश होते थे। तब उन्हें देखकर मुझे वो खुशी मिलती थी, मैं वो खुशी बता नहीं सकता हूँ। इसके साथ ही सौरभ ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें उन्होंने लोगों से घरों में रहने की अपील की। उन्होंने बताया कि काफी संख्या में लोगों की जाने जा रही हैं, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे, पापा को लेकर मैंने भी कई अस्पताल के चक्कर लगाए। आप लोगों से अपील की कि घर में रहें। आपको बता दें बिग बॉस 12 भी चर्चित सीजन रह चुका है। इसकी वजह शो के कुछ झूठे राज थे जो कंटेस्टेंट से बुलवाए गए थे। जी हाँ, आपको अनूप जलोटा और जसलीन की जोड़ी तो अच्छी तरह से याद होगी जो उसी सीजन में कपल बनकर आए थे, लेकिन आउट होते ही पता चला था कि ये जोड़ी नहीं बल्कि गुरु शिष्य की जोड़ी है। सिर्फ टीआरपी के लिए अनूप और जसलीन से भी ये झूठ बुलवाया गया था। वही जसलीन और अनूप के अलावा सौरभ पटेल से भी कुछ ऐसा ही झूठ बुलवाया गया था। सौरभ पटेल जो अपने आप को किसान बता रहे थे, वो तो दरअसल एक कास्टिंग डायरेक्टर निकले। उनका असली नाम भी सौरभ पटेल नहीं बल्कि साहिल पटेल था। सौरभ एक्टिंग के क्षेत्र में भी नाम कमाना चाहते हैं। वो रश्मि शर्मा और VAG फिल्म जैसे प्रोडक्शन हाउस में बतौर असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर काम कर चुके हैं। शो में शिवाशीष खुद मध्य प्रदेश का एक बिजनेसमैन बताते हैं, जबकि वो एक मॉडल और एक्टर हैं। जी हाँ, शिवाशीष ने मध्य प्रदेश में मॉडलिंग का काम किया। इसके बाद वो मुंबई पहुंचे और यहाँ टीवी शोज और फिल्मों के लिए उन्होंने कोशिश की। शिवाशीष को सीरियल
संकट मोचन महाबली हनुमान में नल का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उनके अनऑफिशियल रवैये की वजह से शो के मेकर्स ने उनसे दूरी बना ली। फिलहाल तो सौरभ पटेल का कई सालों बाद नाम आया तो लोगों को उनका ये किस्सा भी याद आ गया। इस वक्त तो लोग सौरभ पटेल की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं और उनकी अपील का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि सौरभ पटेल ने जो खोया है वो कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन वो लोगों को सतर्क और सावधान जरूर कर सकते हैं। इस महामारी काल में चारों तरफ लगातार एक के बाद एक बुरी खबरों ने देश की जनता को हैरान और परेशान कर दिया है। आम जनता से लेकर कई फिल्म इंडस्ट्री के स्लैब्स वायरस की चपेट में आ चुके हैं। ना जाने कितने लोगों ने अपनों को खो दिया है। अब टीवी के मशहूर अभिनेता को लेकर बुरी खबर सामने आ रही है। टीवी शो अनुपमा में परितोष शाह का किरदार निभा रहे अभिनेता आशीष मल्होत्रा के पिता का निधन हो गया। इस बात की जानकारी अभिनेता ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए दी है, जिसमें अभिनेता ने बताया कि उनके पिता का निधन हो चुका है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। आशीष ने अपने पिता के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इसके साथ ही उन्होंने एक बेहद इमोशनल पोस्ट भी लिखा। अगर हम बात करें आशीष मल्होत्रा के द्वारा शेयर की गई वीडियो की, जिसमें अभिनेता अपने पिता को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं, साथ में उनके पिता की आंखें भी नम होती नजर आ रही हैं। आशीष मल्होत्रा ने नोट में लिखा, मेरे अनकंफर्टेबल चैंप, आपने भले ही मुझे बाहरी दुनिया में छोड़ दिया हो, लेकिन अंदर आप मेरे अभी भी बसे हैं, शायद पहले से कई ज्यादा पास हैं। हम दोनों का शरीर अलग जरूर हो गया, लेकिन हमारी आत्मा अब भी एक है। माफ कीजिए, मैं यहाँ स्वार्थी हो रहा हूँ, आप सिर्फ मेरे पापा हो। आशीष मल्होत्रा के इस पोस्ट को देखकर कई सेलेब्स भी भावुक हो गए, उनके पिता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आशीष मल्होत्रा टीवी के मशहूर कलाकार हैं, जिन्होंने कई टीवी शोज में काम किया। इन दिनों आशीष मल्होत्रा टीवी शो अनुपमा में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने रूपाली गांगुली के बड़े बेटे का किरदार निभाया है। आपको बता दें, इस शो पर काफी टाइम से आफत टूटी हुई है। इससे पहले रूपाली गांगुली भी खतरनाक बीमारी की शिकार हो चुकी है। खैर, वो तो सही सलामत इलाज कराकर घर आ चुकी हैं और अब तो शूटिंग पर भी लौट रही हैं। रूपाली गांगुली का भी बहुत बुरा हाल हो गया था, उन्होंने भी अपने बेटे को लेकर भावुक पोस्ट लिखा था। बीते दिनों अनुपमा सीरियल के सेट पर खतरनाक बीमारी का पूरी तरह कहर देखा गया था। शो के कई लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए। इनमें शो में लीड रोल निभाने वाली एक्ट्रेस रूपाली गांगुली, एक्ट्रेस आशीष मल्होत्रा और शो के प्रोड्यूसर राजन शाही जैसे नाम भी शामिल है। रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद रूपाली काफी हताश नजर आई और उन्हें केवल भगवान का ही सहारा दिखा। रूपाली ने कई सारी फोटोज शेयर की। फोटोज के कैप्शन समझ आ रहे हैं कि रूपाली गांगुली बीमारी की वजह से कितनी डरी बैठी हैं, वो भगवान के सहारे बैठी हैं। रूपाली के हर एक पोस्ट में भगवान का जिक्र है। रूपाली ने लिखा, मैं इस हाल से गुजर जाऊंगी, लेकिन बस भगवान साथ हो। रूपाली इन दिनों क्वारंटाइन में है और रूपाली ने इसी दौरान कई सारी फोटो शेयर कर अपना टाइम बिताया। वो एक फोटो शेयर करते लिखती है कि इन दिनों ताजी हवा, धूप में बाल सुखा रही हूँ, ना कि हेयर ड्राई से। फोटो में रूपाली ने हंसने की काफी कोशिश भी की, लेकिन साफ पता चलता है कि वो काफी परेशान है। उनके चेहरे पर अलग ही उदासी नजर आ रही है। रूपाली ने बताया कि मैं अपनी बीमारी की वजह से परेशान नहीं हूँ, बल्कि जब तक मेरे पति, बेटे और माँ की रिपोर्ट नहीं आ गई, तब तक मैं एक एक पल को मुश्किल से काट रही थी। शुक्र है भगवान का जिन्होंने मेरे परिवार को इस बीमारी से बचा लिया। उन सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई।